काली माँ का रोल क्या है हिंदुइज्म में आ, आप पहले सर देवियों का रोल थोड़ा समझा दीजिए और फिर स्पेसिफिकली काली माँ का रोल और बंगाल में काली माँ की पूजा इतनी, hmm. hmm. इतनी क्यों होती है ईस्टर्न स्टेट्स में असम बंगाल वहाँ काली माँ की पूजा इतनी क्यों होती है सो Uh, अगर हम शुरू से शुरू करें तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं काली का ओरिजिन उस स्टोरी से है सबसे पहली जो स्टोरी है देवी महात्मा में और देवी भागवत पुराण में काली का ओरिजिन जो है सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली सो so, भगवान विष्णु जब नींद में है और ब्रह्मा को दो राक्षस परेशान कर रहे हैं मधु और कैटअप तब महामाया काली वो वहाँ पे आती है एंड हु इज शी शी इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ द गॉड सो अगर आपको याद हो कृष्ण जन्म में उनकी एक बहन होती है सो hmm. so, जो हवा में चली जाती है छूट के कंस के हाथ से और वो बोलती हैं कि तुम्हें मृत्यु देने वाला कहीं और जन्म ले चुका है शी इज़ द डॉटर ऑफ यशोदा जो एक्सचेंज करते हैं नंद आ, 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 वासुदेव और नंद तो वो जो गॉडेस हैं दैट इज महामाया दैट इज काली और वैष्णविज्म में अब शिव शैविज्म में हमें पता है कि काली का एक बहुत बड़ा रोल है काली इज़ द वाइफ ऑफ शिवा राइट right? एंड शिव एंड uh, काली टुगेदर फ्रॉम वन होल अर्धनारीश्वर जो रूप है उनका तो बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर वैष्णविज्म में शी इज द एनर्जी ऑफ विष्णु सो जब लॉर्ड विष्णु खुद नींद में है पर उनकी महामाया उनकी एनर्जी जो है वो जागृत है तो वो आती है ब्रह्मा को हेल्प करने के लिए और वो विष्णु जी को उठाती हैं और यही महामाया बाद में उनके बहन के रूप में जन्म लेती है सो so, काली इज कंसिडर्ड पार्वती इन फैक्ट इज कंसिडर्ड एज विष्णु सिस्टर hmm. और काली और गौरी ये दोनों एक ही देवी का रूप है तो देवता हेल्प मांगते हैं देवी से hmm. कि आप हमें आके बचाइए और देवी के अलग अलग फॉर्म्स आते हैं जिनमें से एक है काली तो सबसे पहले देवी चंड और मुंड को मारती है इसलिए उनका नाम चामुंडा बन जाता है उस लड़ाई में तो ये जो अलग अलग स्टोरीज हैं काली की वो सब यही दिखाती हैं कि वो एक ऐसा काम करने के लिए आती हैं हमेशा जो कोई और नहीं कर पा रहा है सो so, वो डीमन्स या राक्षस और असुर जो देवताओं से भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे उनको काली ही कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये उनका एक रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है एक आसाम में अगर आपने सुना होगा कामाख्या देवी का मंदिर सो दैट इज़ अ तांत्रिक सेंटर सेंटर ऑफ तंत्रा और काफ़ी सारे वहाँ पे आ, आ, वाम मार्ग के फॉलोअर्स हैं सो काली माता का भी जो मंदिर है कोलकाता में वहाँ भी जो प्रोपेंसिटी है लोगों की वही है वाम मार्ग फॉलो करने की तो so, इसलिए वो ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा था बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस पोर्शन ऑफ द कंट्री अब दश महाविद्याज होते हैं काली माता के uh, अलग अलग रूप है सो so, एक दश महाविद्या में से एक है तारा जो तारा जो है वो आपको तारा की वर्षिप ज्यादा मिलेगी तिब्बत में hmm. तिब्बत इन बुद्धिज्म में तारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉडेस और तारा के अलग अलग रूप है उसमें ग्रीन तारा वाइट तारा ब्लू तारा और अगर आप गूगल करेंगे तारा के बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे रेड तारा सो so, तारा बिकेम अ वेरी पॉपुलर गॉडेस इन तिब्बत एरिया hmm. जिसको शास्त्रों में स्क्रिप्चर्स uh, में महाचिन एरिया बोला गया है तो तारा की वर्शिप वहाँ ज़्यादा होती है एक और फॉर्म है आ, दश महाविद्यास में जो है शोडशी षोडशी सुंदरी शोडशी और सुंदरी उनको बोलते हैं षोडशी बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल और त्रिपुरा सुंदरी सो so, उनकी वर्शिप साउथ में ज़्यादा है hmm. तो ये भी दश महाविद्यास के फॉर्म्स हैं बस उनको आ, अलग अलग जगह अलग अलग गॉडेसेस के फॉर्म्स को इम्पोर्टेंस मिली और काफ़ी हद तक ये आ, हिस्टोरिकल चीज़ों पे भी डिपेंड करता है क्योंकि काफ़ी राजा ऐसे थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म को प्रोत्साहन दिया बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट एंट्रेंच देर अब जगन्नाथ पुरी है वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है तो ऑब्वियसली वैष्णविज्म विल बी मोर प्रोमिनेंट तो दक्षिणेश्वर में काली माता की पूजा ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू नो दैट फॉर्म ऑफ वर्ष विल बी मोर प्रोमिनेंट सो एक कुछ हिस्टोरिकल रीजनस हैं रीजनल लोकेशन्स के और दूसरे थोड़ी ट्रडिशनल Uh, मान्यताएं हैं कि अब जैसे शक्तिपीठ है कहीं पे भी तो वहां पे उसके अराउंड आपको शक्ति के वर्शिप ज्यादा ही मिलेंगे hmm. अब इक्यावन शक्तिपीठ जो है हर जगह आप जाएंगे तो आपको वहां पे देवी की ही वर्शिप मिलेगी आप नॉर्थ में चले जाइए वर्शिप में भी डिफरेंट वेज ऑफ वर्शिप में भी डिफरेंट बट फिर उस जगह पे उस इलाके में मान्यता उस देवता की देवी की ज्यादा बन जाती है सो देवी जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन हम लोग बहुत साइड ट्रैक हो गए बट देविया और देवता दोनों में से कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है सो दे आर दे आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्लीट होल तो लॉर्ड विष्णु जब वो निद्रा में है योग निद्रा में है तो भी उनकी एनर्जी महामाया काम कर रही है लॉर्ड शिव इनफैक्ट तंत्रा में आ, माना जाता है कि शिव विदाउट शक्ति इज अ शव मतलब विच इज शव इट्स अप्स ओके सो शिव इज नथिंग विदाउट शक्ति इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक सो बट ऐसा ये मान माना जाता है तंत्रा में कि शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है सो hmm. so, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है